हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट सीएन गजबीये स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सीएन गजबीये में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपकी आंखों के नीचे काले रंग के घेरे आ जाते हैं, आपकी नाक के ऊपर झाइयां हो जाती है, आपके चेहरे के माथे के ऊपर झाइयां हो जाती है, आपके चेहरे पर झाइयां हो जाती है, काले काले धब्बे आपके चेहरे पर हो जाते हैं। आपकी स्किन दो तरह की दिखने लगती है दोस्तों, एक दाग वाली और एक बेदाग वाली। ठीक है दोस्तों, आपके चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। पिंपल्स होने के बाद जिस जगह चेहरे पर पिंपल्स हुई है वहाँ पर क्या है दोस्तों, उस पिंपल्स के काले काले धब्बे पड़ जाते हैं या फिर आपका पूरा चेहरा ही काला पड़ जाता है। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देने लगती है दोस्तों। इन्हीं सभी समस्याओं की वजह से आप अपने आप को दूसरों के सामने असहज महसूस करते हो। आप लोगों के सामने ऐसा चेहरा लेकर जाने में डरते हो, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। आपके चेहरे पर यह प्रॉब्लम होने के कारण आप लोगों के सामने खुलकर हंसकर बात भी नहीं कर पाते हो, लोगों के सामने अनकम्फर्ट फील करते हो। किसी भी काम को करते वक्त काम में मन नहीं लगता, मन आपका सिर्फ चेहरे की तरफ ही लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी होता होगा दोस्तों आपके साथ कि किसी शादी या फंक्शन या फिर किसी दोस्त के सामने जाने पर आपको शर्मिंदगी महसूस होती होगी। सब आपसे यही पूछते हैं कि चेहरे पर क्या हो गया, कुछ क्रीम लगाते क्यों नहीं। क्या होता है आपके चेहरे पर दोस्तों, काले काले धब्बे हो जाते हैं, पिंपल्स के जो दाग है वो भी आ जाते हैं, झाइयाँ हो जाती है, झुर्रियाँ हो जाती है, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह जो समस्या है उसी समस्या के कारण के बारे में बात करेंगे कि यह समस्या किस कारण से आपको हो सकती है, किस कारण से आपको यह समस्या हुई है, आखिर यह समस्या होती क्यों है। तो दोस्तों, यह समस्या जेनेटिक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मान लो आपके परिवार में पहले यह प्रॉब्लम किसी और को रही हो और ये प्रॉब्लम आपको आ गई हो। ठीक है दोस्तों, मेडिसिन के कारण भी हो सकता है, जैसे कि दोस्तों आपको किसी प्रकार की मेडिसिन चल रही हो, उस कारण भी, उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण, या फिर कोई क्रीम आप लगा रहे हो तो उस मेडिसिन क्रीम के कारण आपके चेहरे पर क्या है दोस्तों, साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। उस मेडिसिन क्रीम से आपको एलर्जी हो सकती है, इस कारण भी यह प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, धूप में आप ज़्यादा काम करते हो, उस कारण भी यह समस्या हो सकती है। खाने पीने सोने का समय ठीक ना हो, उस वजह से भी यह समस्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, डेली लाइफ चेंजेस के कारण भी यह हो सकता है, जॉब का वर्कलोड आपको ज़्यादा होने के कारण यह समस्या हो सकती है। आपकी त्वचा क्या है दोस्तों, ऑयली है, ऑयली त्वचा के कारण भी आपको यह समस्या हो सकती है। महिलाओं में पीरियड इरेगुलर आ रहे हो तो उस कारण भी दोस्तों आपके चेहरे पर यह समस्या देखने को मिल सकती है। महिलाओं में क्या है दोस्तों, हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, उस कारण भी यह समस्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आप पहले कोई दूसरी क्रीम चेहरे के लिए यूज़ कर रहे थे पर आपने क्रीम चेंज कर दी। ठीक है दोस्तों, क्रीम चेंज कर दी, दूसरी क्रीम लगाने लगे आप, उस कारण भी दोस्तों यह समस्या हो सकती है। क्या है दोस्तों, आपकी त्वचा क्या है दोस्तों, ऑयली होती है, तो ऑयली त्वचा होने के कारण क्या है दोस्तों, उस ऑयली त्वचा के कारण पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे पर, उस कारण भी दोस्तों पिंपल्स क्या है दोस्तों, फूट जाती है, मुहासे जो है फूट जाते हैं, जिस कारण से आपके चेहरे पर दाग हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दाग बन जाते हैं पिंपल्स के कारण, ऑयली त्वचा के कारण। ठीक है दोस्तों, प्रेगनेंसी के बाद यह समस्या दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, चेहरे पर चोट लगने के कारण भी दाग धब्बे बन जाते हैं, रह जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद, आपके चेहरे पर काले गहरे या फिर दोस्तों झाइयाँ हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ कारण है दोस्तों जिस कारण आपके चेहरे पर दाग धब्बे, काले गहरे मुहासे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, काले धब्बे आपके चेहरे पर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों इन्हीं सब समस्याओं को ठीक करने वाली क्रीम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, वीडियो को आप अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इन सभी समस्याओं को ठीक करने वाली क्रीम का नाम है स्किन फाइन क्रीम। ठीक है दोस्तों, स्किन फाइन क्रीम जो है दोस्तों डॉक्टर मॉर्पेन कंपनी की है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस क्रीम के इंग्रेडिएंट, कंटेंट्स, कंपोजिशन की बात करेंगे कि यह क्रीम किन किन इंग्रेडिएंट और कंपोजिशन से मिलकर बनी है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों यह क्रीम तीन प्रकार के कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है। इसमें पहला है दोस्तों हाइड्रोक्विनाइन, दूसरा है दोस्तों ट्रीटेनोइन और तीसरा है दोस्तों मोमेटासोन। ठीक है दोस्तों इस क्रीम में जो कंपोजिशन है वह किस प्रकार से काम करते हैं, एक एक कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों यह क्रीम तीन प्रकार के कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है। इसमें हाइड्रोक्विनोन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्विनोन की बात करेंगे तो हाइड्रोक्विनोन क्या करता है दोस्तों, त्वचा के दाग धब्बों को दूर करने में क्या है दोस्तों, यह दवा हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, त्वचा से दाग धब्बों को दूर करता है। यह त्वचा के उस पिगमेंट मेलानिन जो होता है दोस्तों, मेलानिन जो होता है की मात्रा को कम करता है जो त्वचा के रंग को गहरा बनाता है। ठीक है दोस्तों, ट्रीटेनोइन की बात करेंगे दोस्तों कि ट्रीटेनोइन किस प्रकार से काम करता है, तो ट्रीटेनोइन जो होता है दोस्तों, ट्रीटेनोइन विटामिन ए का एक रूप है जो त्वचा को तेजी से नया बनाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि दोस्तों ट्रीटेनोइन का वर्क होता है जो आपकी स्किन पहले काली है उसको क्या करता है, ये उसको नया बनाने का काम करता है, उसको गोरा बनाने का काम करता है ट्रीटेनोइन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करेंगे दोस्तों मोमेटासोन। मोमेटासोन एक स्टेरॉइड है जो कि उन केमिकल मैसेंजर जैसे कि दोस्तों प्रोस्टाग्लैंडिंस को बनने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, जिनकी वजह से त्वचा में रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग की समस्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कर देगा, उस प्रोस्टाग्लैंडिंस जो है मैसेंजर जो है उसको दोस्तों बनने नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस क्रीम के उपयोग की बात करेंगे कि इस क्रीम का उपयोग किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस क्रीम का इस्तेमाल मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। मेलाज्मा त्वचा की एक सामान्य समस्या है जिसके कारण आपकी त्वचा पर गहरे रंग के पैच बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पैच के होते हैं बदरंग पैच बन जाते हैं आपके चेहरे पर। यह पैच जो है दोस्तों पुरुषों से अधिक महिलाओं में देखा जाता है। किसी मेडिसिन, क्रीम की एलर्जी या फिर दोस्तों साइड इफेक्ट के कारण चेहरे पर क्या है, दाग धब्बे हो गए हो तो यह क्रीम उनको हटाने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, यह क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, झुर्रियाँ, झाइयाँ हटाने का काम करती है। चोट लगने के कारण गहरे काले दाग धब्बे चेहरे पर हो गए हो तो यह क्रीम उन्हें हटाने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, मुहासों के दाग हो गए हैं, मुहासों के दाग रह गए हैं उनसे यह क्रीम छुटकारा दिलाने में मदद करती है। मतलब कि दोस्तों यह आपके चेहरे से दाग धब्बे, झुर्रियाँ, झाइयाँ मिटाने में आपकी मदद करती है। ठीक है दोस्तों, यह क्रीम आपके चेहरे को गोरा बनाने का काम करती है। यह क्रीम आपके चेहरे को निखार प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों कि इस क्रीम को कैसे लगाना है, इस क्रीम को कैसे लगाएं। इस क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ पानी से धो लेना है। उसके बाद आप जिस अफेक्टेड पार्ट पर क्रीम लगा रहे हो उसे साफ पानी से या फिर दोस्तों फेस वॉश से धो लें। उसके बाद उस अफेक्टेड पार्ट को सुखा लें। उसके बाद आपको क्रीम दवाई लगाना है। ठीक है दोस्तों, क्रीम लगाने से पहले आपको क्रीम को टेस्ट करना है, उसके बाद ही आप क्रीम को अपने चेहरे पर लगाएं। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों इसमें टेस्ट की बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने चेहरे पर क्रीम लगाने से पहले इसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्रीम को थोड़ी सी मात्रा में लेकर पहले शरीर के किसी अन्य दाग वाले जगह पर 24 घंटे के लिए क्रीम को लगाना है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि दोस्तों शरीर के अन्य किसी पार्ट पे, शरीर के अन्य किसी जगह पर जहाँ पे आपको काले धब्बे हैं, दाग है, वहाँ पे आपको इस क्रीम को 24 घंटे के लिए लगा के रखना है। ठीक है दोस्तों, 24 घंटे के बाद आपको देखना है कि आपकी टेस्टिंग की गई स्किन पर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, टेस्टिंग स्किन पर रेडनेस, स्वेलिंग, फफोले, ददोरे या फिर स्किन पर जलन तो नहीं हो रही है, या फिर स्किन आपकी खुजला तो नहीं रही है, या फिर स्किन पर लाल लाल दाने तो नहीं आ गए हैं, ये आपको दोस्तों टेस्टिंग वाली जगह पर आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों ये सारे सिम्टम्स आपको उस टेस्टिंग वाली स्किन पर दिखाई दे, ज़्यादा मात्रा में आपको सीवियर कंडीशन में दिखाई दे, तो आप इस क्रीम को दोस्तों चेहरे पे बिल्कुल भी ना लगाएं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये सिम्टम्स हल्के दिखाई दे तो आप इस क्रीम को चेहरे पर लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों,
अब बात करेंगे दोस्तों वीडियो में क्रीम कितनी मात्रा में और कब लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्रीम की थोड़ी सी मात्रा रात में सोते समय उसी पार्ट पर लगाएं जो पार्ट आपका अफेक्टेड है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि क्रीम की थोड़ी सी मात्रा उसी जगह पर लगाना है जिस जगह पर आपको दाग धब्बे झुर्रियाँ झाई काले धब्बे पिंपल्स के धब्बे बने हुए हैं उसी जगह पर लगाना है, ठीक है दोस्तों। पूरे चेहरे पर दवाई को नहीं लगाना है। क्रीम को सिर्फ रात में सोते समय थोड़ी सी मात्रा में अफेक्टेड एरिया पर ही लगाना है, ठीक है दोस्तों। क्रीम को दिन के समय में नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि क्रीम को दिन में नहीं लगाना है। आपके पूरे चेहरे पर यदि दोस्तों दाग धब्बे झुर्रियाँ झाइयाँ हैं तो आपको इस क्रीम को किसी अन्य ब्यूटी क्रीम जैसे दोस्तों फेयर एंड लवली पॉन्ड्स क्रीम या फिर अन्य क्रीम के साथ में थोड़ी सी मात्रा में मिलाकर आप इस क्रीम को लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। सावधानी की बात करेंगे दोस्तों कि इस क्रीम को लगाते वक्त आपको क्या क्या सावधानी रखना है और लगाने के बाद भी क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, ठीक है दोस्तों। क्रीम लगाने से पहले क्रीम को टेस्ट करना है। क्रीम लगाने से पहले आपके हाथों और अफेक्टेड एरिया को साफ पानी से धो लेना है। क्रीम को सिर्फ रात में सोते समय लगाना है। क्रीम को सिर्फ अफेक्टेड एरिया वाली जगह पर ही लगाना है। यदि दोस्तों क्रीम किसी अन्य जगह पर लग जाए तो साफ पानी से या फिर ढेर सारे पानी से उसको धो लें या फिर दोस्तों कपड़े से उस जगह को पोंछ लें, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना है आपको कि क्रीम आँख नाक मुंह में ना जाए, ठीक है दोस्तों। यदि क्रीम आँखों में चली जाए तो क्या करना है आपको ढेर सारे पानी से आँखों को धो लेना है, ठीक है दोस्तों। प्रेगनेंसी में इस क्रीम को नहीं लगाना है। ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती है स्तनपान कराने वाली जो मदर होती है उनको क्रीम नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। इस क्रीम को ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है लगाने से पहले क्या है दोस्तों अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले उसके बाद ही इस क्रीम को लगाना है। प्रेगनेंसी में यह दवा लगाना सेफ नहीं है इसीलिए आप प्रेगनेंसी में इस दवा को बिल्कुल भी ना लगाएं, ठीक है दोस्तों। बच्चों की पहुँच से क्रीम को दूर रखें। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को यह क्रीम इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगली सावधानी की बात करेंगे दोस्तों, क्रीम को हमेशा उसी टाइम पर लगाएं जिस टाइम पर आप हमेशा लगाते आ रहे हो। क्रीम लगाने के बाद आपको सूर्य की रोशनी से बचना है। क्रीम लगाकर धूप में नहीं निकलना है, आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाए, आपको घर से बाहर जाना ही है ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर, तो फुल कवर वाले जो कपड़े होते हैं वो पहनकर निकलें और अपने चेहरा को ढक लें, अपने चेहरे को बांध लें, अपने मुंह को कवर कर लें, उसके बाद ही घर से बाहर निकलें, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्रीम किस प्रकार से काम करती है। तो दोस्तों यह क्रीम जो है तीन प्रकार के इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है, मतलब कि क्रीम में तीन प्रकार की दवाइयों से मिलकर बनी होती है जिनका अपना अपना अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग काम होता है, ठीक है दोस्तों। यह क्रीम जल्दी से जल्दी नई त्वचा बनने में मदद करती है। यह त्वचा के दाग धब्बों को दूर करने वाली दवा है, ठीक है दोस्तों। यह दवा उस केमिकल मैसेंजर मतलब कि जो प्रोस्टाग्लैंडिंस को बनने से रोकती है जिनकी वजह से त्वचा में रेडनेस स्वेलिंग और खुजली की समस्या होती है, ठीक है दोस्तों। यह दवा विटामिन ए का एक रूप है जो त्वचा को तेजी से नया बनाने का काम करती है। तो दोस्तों यह दवा इस प्रकार से काम करती है। अब बात करेंगे दोस्तों इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस क्रीम को आपने लगाया, इस दवा को आपने लगाया तो किस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस क्रीम की ज़्यादा मात्रा लगाने पर यह क्रीम आपके चेहरे को जला सकती है। इस क्रीम की ज़्यादा मात्रा लगाने पर यह क्रीम आपके चेहरे को और काला बना सकती है। यह क्रीम अफेक्टेड एरिया को छोड़कर यदि पूरे चेहरे पर लगाओगे तो यह क्रीम आपके चेहरे की सुंदरता छीन सकती है, ठीक है दोस्तों। इस क्रीम की अधिक मात्रा लगाने पर चेहरे पर पिंपल्स आ सकते हैं। इस क्रीम की अधिक मात्रा लगाने पर आपका चेहरा सूज सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, आपके चेहरे पर लाल लाल दाने आ सकते हैं। दवाई को बीच में कभी भी लगाना बंद ना करें, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा मात्रा में दवाई को लगाओगे तो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको क्या है दवा की थोड़ी सी मात्रा जो है उसको यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ
अफेक्टेड एरिया पे, ठीक है दोस्तों। पूरे चेहरे पे आपको ये क्रीम है, दवाई जो है उसको अप्लाई नहीं करना है, तो साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों कि इस दवाई का रिजल्ट कितने दिन में देखने को मिलता है, तो यह दवाई का रिजल्ट जो है दोस्तों 3 दिन में आपको देखने को मिलेगा। 3 दिन में यह दवा जो है दोस्तों अपना असर दिखाना चालू कर देती है, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों कुछ खास टिप्स मैं देना चाहूँगा दोस्तों, कुछ खास सलाह इसमें इस क्रीम के बारे में मैं आपको दूंगा दोस्तों, कुछ खास टिप्स है दोस्तों, कुछ खास सलाह है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों इस क्रीम का इस्तेमाल हल्के या मध्यम हाथों की उंगलियों से लगाएं इस क्रीम को। यह आंखों के नीचे स्कार, निशान, धब्बे और डार्क सर्कल को कम करने में यह क्रीम जो है मदद करती है। इसका इस्तेमाल हमेशा सूरज से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों के साथ किया जाना चाहिए। जैसे दोस्तों आपको क्या है, सन स्क्रीन का इस्तेमाल और सुरक्षात्मक कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। रोज रात में एक बार क्रीम लगाएं और उसे अच्छी तरह से मले जब तक कि क्रीम एब्जॉर्ब ना हो जाए। साथ में आपको ध्यान रखना है त्वचा के टूटे या फिर अफेक्टेड इन्फेक्टेड पार्ट जो होते हैं, एरिया जो होता है, वहाँ पर इस क्रीम को नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस क्रीम को लगाते हो तो आपको इरिटेशन या फिर एलर्जी का अनुभव हो सकता है, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें, आप इसको लगाना बंद कर और अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।